डायनासोर्स। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले ये शानदार प्राणी पृथ्वी पर विकसित हुए और लगभग 16 करोड़ साल पृथ्वी पर राज करते रहे। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक विशाल उल्कापात के वजह से पक्षियों को छोड़कर बाकी सारे डायनासोर्स के प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो गए। डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको इस चैनल पर बताया, मगर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायनासोर्स का शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे आर्कोसोर शाखा के सरीसृपों से उनका एवोल्यूशन हुआ था। हमारी कहानी शुरू होती है ट्रायसिक पीरियड में। पृथ्वी पर राज चल रहा था आर्कोसोर शाखा के सरीसृपों का। आर्कोसोर शाखा के सरीसृपों में कुछ खासियत होते हैं जो उनके हड्डियों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनके दांत जबड़ों में छोटे छोटे सॉकेट्स के अंदर होते हैं और इनके खोपड़ी में खास तरह के छेद होते हैं जिन्हें एंटोरबाइटल फेनेस्ट्रा और मैंडिबुलर फेनेस्ट्रा कहा जाता है। इनके पिछले पैर के फीमर हड्डी में एक खास पार्ट होता है जिसे फोर्थ ट्रोकेंटर कहा जाता है। दांत सॉकेट्स में होने पर खाने के समय और शिकार करते समय आर्कोसोर्स के दांत कम गिरते हैं। खोपड़ियों में छेद उनके बड़े सर का वजन कम करते हैं और फोर्थ ट्रोकेंटर में अटैच होते हैं बड़े बड़े मसल्स जो पैर को शक्तिशाली बनाते हैं, जिसकी वजह से आर्कोसोर्स काफी हद तक सीधे होकर खड़े हो सकते हैं, हमेशा छिपकल की तरह रेंग कर नहीं चलना पड़ता। आर्कोसोर्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ प्रोटेरोसुकस और यूपार्केरिया जैसे प्रागैतिहासिक सरीसृपों में विकसित हुए थे जो कि आर्कोसोर्स के पूर्वज है। ट्रायसिक पीरियड में करीब 25 करोड़ साल पहले आर्कोसोर्स का विकास दो अलग अलग शाखाओं में होने लगा, स्यूडोसुकिया और एविमेटाटर्सालिया। इन दो शाखाओं को इनके एंकल के हड्डियों के आधार पर बांटा गया है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि एंकल की हड्डियां इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। हाथ नहीं, खोपड़ी नहीं, सीधा एंकल की हड्डियां। जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए स्यूडोसुकिया शाखा के प्राणियों का एंकल। इनके एंकल के एस्ट्रोकैलस हड्डी में एक छोटा सा पोर्शन बगल के कैल्केनियम हड्डी में फिट हो जाता है। इस अरेंजमेंट के वजह से ये रेंग कर भी चल सकते हैं और कुछ हद तक पैरों को खड़ा करके भी चल सकते हैं, जैसे कि आज के मगरमच्छ में होते हैं। दूसरी तरफ है एविमेटाटर्सालिया शाखा के प्राणियों का एंकल। यहाँ पर एस्ट्रोगैलस और कैल्केनियम हड्डी के बीच कोई वैसा कनेक्शन नहीं होता, बस वो अगल बगल रहते हैं। इस तरह का जॉइंट सीधे होकर चलने में मदद करता है, जैसे कि आज के पक्षियों में होता है। स्यूडोसुकिया शाखा के आर्कोसोर्स के ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो डायनासोर्स के पूर्वज नहीं थे, ये पूर्वज थे आज के मगरमच्छों का। फिर भी ट्रायसिक पीरियड में इनका ही राज था। उस समय स्यूडोसुकिया शाखा के आर्कोसोर्स बहुत सारे प्रजातियों में विकसित हुए। उनमें से कुछ कुछ शाखाओं के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मगरमच्छ जैसे दिखने वाले फाइटोसॉर्स ट्रायसिक पीरियड में विकसित हुए। ये मगरमच्छ के डायरेक्ट पूर्वज थे नहीं, मगर दिखने में काफी एक जैसे थे। एटोसॉर नाम के स्यूडोसुकियंस के शरीर ढाल जैसे सख्त हड्डियों के प्लेट से ढके हुए होते थे और ये ज्यादातर शाकाहारी या सर्वहारी होते थे। इनके अलावा ट्रायसिक पीरियड में पैरा क्रोकोडाइलोमॉर्फा शाखा के कुछ सरीसृप थे जो काफी हद तक डायनासोर्स की तरह ही दिखते थे, मगर असल में वो डायनासोर्स नहीं थे। जैसे कि ये पोपोसोरस, लेट ट्रायसिक पीरियड में रहने वाला ये सरीसृप मांसाहारी थेरोपॉड डायनासोर्स की तरह दो पैरों पर चलता था, मगर ये डायनासोर से ज्यादा मगरमच्छों के करीबी रिश्तेदार है, या फिर एफिजिया जो दिखने में बिल्कुल डायनासोर जैसा ही लगता है, मगर असल में ये तो स्यूडोसुकियन सरीसृप है। इनफैक्ट कुछ स्यूडोसुकियंस डायनासोर से इतने मिलते जुलते थे कि कुछ ऐसे भी फॉसिल्स हैं जिनका परिचय आज तक एक रहस्य है, क्योंकि पैलियोन्टोलॉजिस्ट्स ठीक से पहचान ही नहीं पाए कि वो फॉसिल किसी स्यूडोसुकियन के है या फिर किसी डायनासोर के पूर्वज के। जैसे कि स्मॉक वाउल्स की नाम का ये प्राणी, जिनके कुछ फॉसिल्स पोलैंड में मिले हैं। स्मॉक के हड्डियों के कुछ खासियत थेरोपॉड डायनासोर से मिलता है, कुछ खासियत स्यूडोसुकियन से मिलते हैं।
इसीलिए इसे ठीक से किसी एक कैटेगरी में डालना मुश्किल हो जाता है। ट्रायसिक के समय डायनासोर के पूर्वज भी धीरे धीरे फैल रहे थे, मगर वो स्यूडोसुकियंस की तरह इतने फूले फले नहीं थे। और इसी बात पर हम आते हैं आर्कोसॉर्स का दूसरा शाखा एविमेटा टार्सालिया में, जिसमें शामिल है डायनासोर के पूर्वज। एविमेटा टार्सालिया शाखा के सबसे पुराने प्राणियों का फॉसिल्स लगभग 24.5 करोड़ साल पुराने हैं। ट्रायसिक पीरियड के शुरू शुरू में एविमेटा टार्सालिया से एक शाखा के प्राणी अलग हो गए, जो बाद में जाके ट्रायसिक पीरियड के मध्य भाग में मांबाकाइटॉन नाम के प्राणी में विकसित हुए। मांबाकाइटॉन एक ऐसा एविमेटा टार्सालियन सरीसृप था जो डायनासोर का पूर्वज नहीं था, मगर उनका करीबी रिश्तेदार था। इसके फॉसिल्स मेडागास्कर द्वीप से मिले हैं और ये प्राणी 7 से 10 फीट लंबा होता था। इसके पीठ पर छोटे छोटे हड्डियों से बने ऑस्टियोडर्म्स भी होते थे। एविमेटा टार्सालिया के दूसरे शाखा का नाम है एफानोसौरिया। एफानोसौरिया शाखा के प्राणी जैसे कि टेलियोक्रेटर 4 पैरों पर चलने वाले लंबे गर्दन वाले मांसाहारी सरीसृप थे। दिखने में ये छिपकलियों की तरह लगते होंगे, लेकिन ये भी एविमेटा टार्सालिया शाखा में थे और ट्रायसिक पीरियड में पृथ्वी पर रहते थे। एविमेटा टार्सालिया में एक तीसरा शाखा भी विकसित हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस शाखा का नाम है ऑर्निथोडेरा। ऑर्निथोडेरा शाखा में जो सरीसृप थे उनको फर्दर 2 शाखाओं में बांटा जा सकता है, टेरोसॉरोमॉर्फा और डायनोसॉरोमॉर्फा। पहले इन शॉर्ट टेरोसॉरोमॉर्फा शाखा के बारे में बात कर लेते हैं। अब टेरोसॉरोमॉर्फा के अंदर रिप्टाइल्स के 2 अलग-अलग शाखा शामिल है, लैगरपेटिडे और टेरोसॉरिया। लैगरपेटिडे शाखा के प्राणी ट्रायसिक पीरियड में विकसित हुए थे। ये 2 पैरों पर चलने वाले छोटे छोटे मांसाहारी सरीसृप थे और ये करीब रिश्तेदार थे उड़ने वाले सरीसृप टेरोसॉर्स के पूर्वजों का। लैगरपेटॉन, ड्रोमोमेरॉन, कॉन्गोनाफॉन जैसे ज्यादातर लैगरपेटिड्स साइज में काफी छोटे थे और टेरोसॉर्स या डायनासोर्स के पूर्वज भी काफी छोटे ही रहे होंगे। छोटे साइज के वजह से शरीर को गर्म रखने के लिए इनमें फेदर्स का पहला विकास हुआ था। शायद ज्यादातर लैगरपेटिड्स भी छोटे छोटे फेदर्स से ढके हुए होते थे। लैगरपेटिड्स का करीब रिश्तेदार टेरोसॉरिया शाखा के प्राणी चमड़े से बने हुए विंग्स का विकास किया और उड़ने वाले सरीसृप बने। टेरोसॉर्स के भी कई सारे शाखाएं हैं जिनके डिटेल्स में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस है डायनासोर्स के ऊपर और टेरोसॉर्स डायनासोर नहीं थे। पर अगर आपको टेरोसॉर्स के बारे में और भी जानना है तो चिंता की क्या बात है, किसका है ये तुमको इंतजार में होना। हाँ, बहुत ही बेकार गाता हूँ मैं, पता है। जो भी हो, मेरे चैनल में ऑलरेडी टेरोसॉर्स के बारे में 2 वीडियोस है, उन वीडियोस को आप लोग जरूर देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाल दूंगा। लैगरपेटिड्स और टेरोसॉर्स को छोड़कर अब हम फोकस करते हैं एविमेटा टार्सालिया के दूसरे शाखा में, यानी कि डायनोसॉरोमॉर्फा पे। डायनोसॉरोमॉर्फा शाखा में विकसित हुए डायनासोर्स के पूर्वज और उनके करीबी रिश्तेदार साइलेसॉर्स। साइलेसॉर्स बहुत ही दिलचस्प और अजीब किस्म के जानवर थे। इनफैक्ट साइलेसॉर्स के असली परिचय को लेकर साइंटिस्ट्स के बीच में अब भी मतभेद है। आइए हम थोड़ा गहराई से समझते हैं साइलेसॉरिडे शाखा के प्राणियों को। साइलेसॉरिड्स फुर्तीले और हल्के शरीर वाले सरीसृप थे जो ट्रायसिक पीरियड के मध्य और अंतिम भाग में पृथ्वी पर रहते थे। इनके गर्दन काफी लंबे थे और टांग भी काफी लंबे थे और शायद ये ज्यादातर समय 4 पैरों पर चलते थे। कुछ साइलेसॉरिड्स बाद में जाके शाकाहारी जरूर बने, मगर इनका विकास छोटे फुर्तीले मांसाहारी प्राणियों से ही हुआ था, जैसे लैगोसुकस या मारासुकस। सबसे पहले विकसित होने वाला साइलेसॉरिड जिसका फॉसिल मिला है उसका नाम है ल्यूविसुकस। इसके फॉसिल्स अर्जेंटीना से मिले हैं और ये प्राणी ट्रायसिक पीरियड में करीब 236 से 234 मिलियन साल पहले रहता था। ल्यूविसुकस आकार में एक कुत्ता जितना बड़ा था। शरीर के तुलना में इसका सर बड़ा था और मुंह में कई सारे छोटे छोटे नुकीले दांत थे, जो एक मांसाहारी स्वभाव की तरफ इशारा करता है। एक और प्राचीन साइलेसॉरिड है एसिलिसोरस। अफ्रीका के तांजानिया से इसके फॉसिल्स मिले हैं।
ये लंबे पैर वाला फुर्तीला जानवर करीब 3 मीटर यानी कि 10 फीट के आसपास लंबा हो सकता था। फॉसिल से पता चलता है कि ये 4 पैरों पर चलता था, पर कभी कभी पिछले 2 पैरों पर खड़ा भी हो सकता था। इसके दांत देखकर पता चलता है कि एसिलिसोरस सर्वहारी यानी कि ओमनिवोर था। हड्डियों को जांच करके ये भी पता चला है कि इनका मेटाबॉलिज्म आज के छिपकलियों से ज्यादा था, मगर नॉन एवियन डायनासोर से कम था। साइलोसॉरस भी कुछ ऐसा ही दिखता था और उसके मुंह में पक्षियों के चोंच जैसा स्ट्रक्चर था, जिसके मदद से वो मिट्टी से कीड़े निकलकर खा सकता था। मगर बाद में जो साइलोसॉरिड्स विकसित हुए वो शाकाहारी बन गए थे, जैसे कि क्वानासॉरस, जिसके फॉसिल्स यूएसए के कोलोराडो से पाए गए हैं। क्वानासॉरस ट्रायसिक पीरियड के अंतिम भाग में रहता था, उसी इलाके में जहां सीलोफाइसिस नाम का डायनासोर भी रहता था। साइलोसॉरिड्स कुछ प्राचीन ऑर्निथिशियन डायनासोर से इतने मिलते जुलते हैं कि कुछ साइंटिस्ट उन्हें अलग अलग शाखा में ना रखकर साइलोसॉरिड्स को ऑर्निथिशियन डायनासोर के पूर्वज ही बताते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर बाद ही बात करेंगे। आखिरकार हम पहुंच गए हमारी मंजिल पर। डायनासोरोमोर्फा क्लेड का दूसरा शाखा डायनासोरिया के पास। जैसा कि मैंने पहले भी डायनासोर्स के क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में बताया था, डायनासोरिया का एवोल्यूशन 2 अलग-अलग शाखाओं में हुआ था, जिन्हें सॉरिस्किया और ऑर्निथिस्किया कहा जाता है। ये बंटवारा किया गया है कमर के हड्डियों को देखकर। सॉरिस्किया शाखा के ज्यादातर डायनासोर्स में इस्चियम और प्यूबिस नाम के हड्डी अलग अलग दिशाओं में मुड़े हुए रहते हैं। ऑर्निथिस्किया शाखा के डायनासोर्स में इस्चियम और प्यूबिस हड्डियां एक ही तरफ मुड़े हुए रहते हैं। तो पहले सॉरिस्टियन शाखा की बात कर लेते हैं। ट्रायसिक पीरियड में सॉरिस्टिया शाखा के कुछ प्राचीन डायनासोर्स विकसित हुए, जिन्हें हेरेरासॉरिडाई परिवार में रखा जाता है। इनमें से सबसे जाना पहचाना है हेरेरासॉरस। हेरेरासॉरस के फॉसिल्स अर्जेंटीना से मिला था। 15 से 20 फीट लंबा यह जानवर 2 पिछले पैरों पर खड़े होकर चलता था और इसके पैर की हड्डियों से पता चलता है कि यह काफी तेज भाग सकता था। इसके सामने के पैर छोटे थे और उसमें 3 उंगलियों में नाखून भी थे। दांत देखकर पता चलता है कि हेरेरासॉरस मांसाहारी था। इस जानवर के कई सारे खूबियां डायनासोर की तरह है, मगर दूसरे खूबियां, खासकर खोपड़ी का शेप, डायनासोर से ज्यादा दूसरे आर्कोसॉर से मिलता जुलता है। इसीलिए एवोल्यूशनरी ट्री में हेरेरासॉरस कहां आता है उसे लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ साइंटिस्ट तो इन्हें डायनासोरिया के बाहर ही बताते हैं, इन्हें डायनासोर कंसीडर ही नहीं करते। हम इस वीडियो को समझने में आसान रखने के लिए हेरेरासॉरस और उसके करीबी रिश्तेदार जो है, जैसे कि स्टोरिकोसॉरस, नेथोवोरैक्स और सैनह्यूएनसॉरस, इनको प्राचीन सॉरिस्टियन डायनासोर में हेरेरासॉरिडाई परिवार में कंसीडर करेंगे। ये सभी ट्रायसिक पीरियड में आज से करीब 23 करोड़ 30 लाख साल पहले से लेकर 22 करोड़ 80 लाख साल पहले तक रहते थे। कुछ और भी ऐसे डायनासोर्स हैं जिन्हें कभी कभी प्राचीन या बेसल सॉरिस्टियन डायनासोर्स में रखा जाता है, जैसे कि डेमानोसॉरस, शिंडेसॉरस और तावा। ये सभी ट्रायसिक पीरियड में रहने वाले डायनासोर्स थे, जो मांसाहारी थे और 2 पैरों पर चलते थे। सॉल्टोपस और इओड्रोमियस भी इन छोटे मांसाहारी प्राचीन सॉरिस्टियन डायनासोर में शामिल थे। सॉरिस्टिया शाखा के प्राचीन डायनासोर ऐसे ही छोटे 2 पैरों पर चलने वाले मांसाहारी प्राणी थे। इनसे ही सॉरिस्टिया शाखा के बाकी सारे डायनासोर का विकास हुआ। इन छोटे छोटे मांसाहारी डायनासोर से 2 अलग-अलग शाखाओं का एवोल्यूशन हुआ। एक शाखा में आए सॉरोपोडोमॉर्फ, जिनमें शामिल है विशालकाय लंबे गर्दन वाले शाकाहारी सॉरोपोड डायनासोर और उनके पूर्वज प्रोसॉरोपोड डायनासोर। ट्रायसिक पीरियड में रहने वाले प्लेटियोसॉरस जैसे प्रोसॉरोपोड डायनासोर का ही किसी शाखा से बाद में जाके ब्रैकियोसॉरस, डिप्लोडोकस, अर्जेंटिनोसॉरस जैसे विशालकाय शाकाहारी सॉरोपोड डायनासोर का विकास हुआ था। दूसरा शाखा में आए 2 पैरों पर चलने वाले थेरोपोड डायनासोर, जो ज्यादातर मांसाहारी थे। इस शाखा में बाद में जाके एलोसॉरस, गिगनोटोसॉरस या टायरानोसॉरस जैसा विशाल मांसाहारी डायनासोर का एवोल्यूशन हुआ। इनके अलावा इसी थेरोपोड शाखा में पक्षियों का भी एवोल्यूशन हुआ, जो कि खुद थेरोपोड डायनासोर ही है।
अब देखने वाली बात यह है कि विशालकाय शाकाहारी सॉरोपॉड्स और फुर्तीले मांसाहारी थेरोपॉड्स दोनों शाखाओं का पूर्वज एक जैसे ही थे और ये पूर्वज बिल्कुल उन प्राचीन सॉरिस्टियन डायनासोर की तरह दिखते थे, छोटे फुर्तीले मांसाहारी प्राणी। यानी कि सॉरोपॉड्स और थेरोपॉड्स दोनों के पूर्वज मांसाहारी प्राणी ही थे। सॉरिस्टिया शाखा के एवोल्यूशन के बारे में मैंने तो शॉर्ट में बता दिया। अब बात करते हैं डायनासोरिया का दूसरा शाखा यानी कि ऑर्निथिस्टियन डायनासोर के एवोल्यूशन के बारे में। अब ऑर्निथिस्टियन डायनासोर के जो पूर्वज है यानी कि प्राचीन ऑर्निथिस्टियन या बेसल ऑर्निथिस्टियन डायनासोर, उनके फॉसिल्स उतने अच्छे नहीं मिले हैं, इसीलिए ऑर्निथिस्टियन डायनासोर के एवोल्यूशन के कहानी में कुछ कुछ गैप्स रह गए। सबसे प्राचीन जो ऑर्निथिस्टियन शाखा के डायनासोर्स खोजे गए हैं, वो है जुरासिक पीरियड के शुरू में रहने वाले दो पैरों पर चलने वाले छोटे छोटे डायनासोर्स, जैसे इओकर्सर और लक्विंटासोरा। यहाँ पर एक प्राणी की बात करना जरूरी है जिसका नाम है पिसानोसॉरस। पिसानोसॉरस के फॉसिल्स अर्जेंटीना से मिले हैं और ये जानवर ट्रायसिक पीरियड में आज से करीब 22 करोड़ 90 लाख साल पहले पृथ्वी पर रहता था। अजीब बात यह है कि पिसानोसॉरस के कुछ खासियत ऑर्निथिस्टियन डायनासोर से जैसा है, मगर कुछ और भी खासियत है जो मिलता है हमारे पुराने दोस्त साइलोसॉरिड्स के साथ। कह सकते हैं कि पिसानोसॉरस साइलोसॉरिड्स और ऑर्निथिस्टियन डायनासोर के बीच में एक कनेक्शन जैसा है, और इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि साइलोसॉरिड्स डायनासोर से अलग कोई प्राणी नहीं बल्कि ऑर्निथिस्टियन डायनासोर के पूर्वज है। पिसानोसॉरस जैसे प्राणियों से ही धीरे धीरे ऑर्निथिस्टियन डायनासोर का विकास हुआ। अगर ये बात सही निकला तो कुछ देर पहले हम ट्रायसिक पीरियड में रहने वाले ल्यूविसुकस नाम के जिस प्राणी के बारे में बात किए, वही ऑर्निथिस्टिया शाखा के सबसे प्राचीन सदस्य है, और बाकी सारे साइलोसॉरिड्स भी प्राचीन ऑर्निथिस्टियन डायनासोर्स है। पिसानोसॉरस जैसे पूर्वजों से जुरासिक पीरियड के शुरू शुरू में स्कूटेलोसॉरस और इओकर्सर जैसे छोटे छोटे ऑर्निथिस्टियन डायनासोर का विकास हुआ। इओकर्सर के फॉसिल्स दक्षिण अफ्रीका से मिले हैं और ये जुरासिक पीरियड के शुरू में रहने वाला एक छोटा सा ऑर्निथिस्टियन डायनासोर था। ये दो पैरों पर चलता था और पौधों के साथ साथ कभी कभी मांस भी खाता था। ऐसे ही छोटे दो पैरों पर चलने वाले पूर्वजों से बाद में जाकर स्टेगोसॉरस, एंकाइलोसॉरस, सेराटोप्सियंस, एकिसेफलोसॉरस और ऑर्निथोपॉड्स जैसे अलग अलग शाखा के ऑर्निथिस्टियन डायनासोर का विकास हुआ, मगर वो कहानी दूसरे समय बताऊंगा। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ट्रायसिक पीरियड में आर्कोसॉर्स के बहुत सारे शाखाओं के साथ साथ डायनासोर्स का भी विकास हुआ था। शुरू शुरू में तो डायनासोर्स काफी छोटे छोटे जानवर थे जो बाकी आर्कोसॉर प्रजातियों की तरह इतने फूले फले नहीं थे, मगर ट्रायसिक पीरियड के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिससे बाकी आर्कोसॉर्स के ज्यादातर शाखा विलुप्त हो गए और जुरासिक पीरियड में आया डायनासोर का स्वर्ण युग। क्या हुआ था उस समय और कैसे डायनासोर इतने सारे प्रजातियों में विकसित हुए, वो कहानी कभी बाद में बताऊंगा। पसीने छूट गए मेरे इतना लंबा और इतना डिटेल वीडियो बनाते बनाते, और तुम लोग हो कि देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते। इतना मेहनत करता हूं, जाओ सब लोग सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। फैन चलाना पड़ेगा यार, बहुत गर्मी।